सुबह सुबह जब मुंबई में मनमानी जिंदगी जीने वाले लोग सो रहे होते हैं, तब मोबाइल का रिंग बजना वो भी लगातार, ऐसा लगता है जैसे कई सारे ट्रक्स लाइन में खड़े हॉर्न बजा रहे हैं। किचन के आसपास का काम निपट चुका था, अब वो बेडरूम में चली गई। बेड पर उसने देखा लैपटॉप ऑन है, और फिर उसने कई ऐसे क्लिप्स देख लिए जो शायद वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। एक बार दुपट्टे को हटाकर उसने अपने आप को देखा, हॉलीवुड की उस हॉट एक्ट्रेस की तरह जिसे उसने जस्ट अभी अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा था। एक आंच सुलगती है जब आह भड़कती है, एक आंच सुलगती है जब आह भड़कती है, टूटता जब इश्क है रूह तड़पती है, मिटा लोगे फना होके खयामत ऐसी लाओगे, मिटा लोगे फना होके खयामत ऐसी लाओगे, मगर तमाशे से तुम क्या पाओगे, फिर सोचो जरा गुलजार कहाँ से लाओगे, गुलजार कहाँ से लाओगे, गुलजार कहाँ से लाओगे। सिया रात हल्की बारिश में गीली हो चुकी थी, हवा रुक रुक कर तेज कदमों से कभी चलती थी तो कभी कहीं एक ही जगह रुक कर फूलों से लदे किसी पेड़ की तरह अलसाई हिलने लगती थी। कभी कभी हवाएं सांसों में चुभन पैदा करती थी तो कभी खुशबू में फना होके सुकून बनती थी, और कभी कभी तो अजीब सी सहरन पूरा जिस्म सिकुड़ जाता था, और फिर अचानक अपनी जात बदलकर इबादत में दुआएं पढ़ने लगती थी। ऐसे में दीपम अभी भी सो रहा था, शायद आज ना जागने की उसने जिद ठान रखी थी कि अचानक हवा के तेज बल से कांच की खिड़की टूटकर बिखर गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पत्थर मारकर तोड़ी हो। अब दीपम जाग गया था, लेकिन सांची शायद किसी खूबसूरत ख्वाब में थी, सो बस करवट बदलकर फिर सो गई। उसके बाल कुछ कंधे के पीछे थे और कुछ उसके चेहरे को ढके हुए थे। हवा खिड़की से तेज आ रही थी, कभी कभी चेहरे से बाल उड़ते भी थे। उसके बालों का उड़ना दीपम को किसी चुनौती सा लग रहा था। वो सांची को अपने बगल में अपने ही बिस्तर पर देखकर हैरान बिल्कुल नहीं था, हाँ कुछ याद करने की कोशिश जरूर कर रहा था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वो उठा और कई सिगरेट्स एक साथ जलाकर साथ साथ पीने लगा। कुछ ही देर में लगभग आधा पैकेट सिगरेट उसने खाली कर दिया। सिगरेट के धुएं ने सांची के सपने के साथ कुछ आनाकानी की, वो जाग गई।
दीपम को कमरे में ना देख और कांच के बिखरे हुए टुकड़ों को देखकर वो घबरा गई। बिस्तर से उठकर वो जैसे ही खिड़की की तरफ बढ़ी, उसने देखा दीपम कांच के एक टुकड़े को हाथ में लेकर अपनी कलाई पर जख्म कर रहा था। धीरे धीरे, प्यार से, बड़ी सादगी के साथ गहरी लकीरें खींच रहा था, बहते खून को एक टक देख रहा था। कोई एक्सप्रेशन नहीं था उसके चेहरे पर कि कुछ अंदाजा लगाया जा सके कि आखिर उसके अंदर चल क्या रहा था। दीपम की कलाई से खून रिसता रहा और सांची की आंखों से आंसू। रोने की सिसकियां कहीं दीपम सुन ना ले, सांची उसके घर के बाहर आ गई, फिर फूट फूट कर रोने लगी। जाने आंसू क्यों बहते हैं, जाने आंसू क्यों बहते हैं, विश्वा के आने से उसकी माँ बहुत खुश थी। उसे अपने बेटे की तकलीफ का अंदाजा था और ये यकीन भी था कि वो विश्वा को संभाल लेगी। विश्वा आने के बाद से ही चुप था, माँ से भी बहुत कम बातें की थी उसने। एक बार माँ ने उसे समझाया भी था कि जो हुआ उसे अब भूलने की कोशिश करो। तब बहुत रोया था माँ के गले लगकर, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। अपने पेरेंट्स के आलीशान बंगले में हर चीज को सलीके से रखा देख विश्वा को कुछ याद आ रहा था। एस्थेटिकली इस बंगले में सब कुछ बेमिसाल था, सजावट की हर चीज बड़ी आर्टिस्टिक थी। हर दीवार पर उसकी मां की बनाई हुई पेंटिंग सजी हुई थी, कुछ बेहद देसी चीजें यहां वहां सहेज कर रखी हुई थी। पूरा घर सितारों के आंगन जैसा था। जिंदगी की कुछ रहस्यमय कहानियां इन्हीं चीजों में अपने आप को विलुप्त करके अपने पूरे अस्तित्व में थी। इनमें कशिश ऐसी थी कि ये अपनी अनदेखी और अनजानी दुनिया में आसानी से किसी को भी ट्रैप कर सकती थी। लेकिन विश्वा को कोई भी चीज अट्रैक्ट नहीं कर रही थी, लिहाजा उसके लिए कुछ भी होना ना होने जैसा था। शायद इसीलिए अभी तक इस घर की तारीफ में उसने एक भी शब्द नहीं बोले थे। थोड़ी सी तारीफ शायद उसके पापा एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ये उनकी जिंदगी की जमा पूंजी और मेहनत की कमाई थी। इस घर का सपना विश्वा के पापा अपने बचपन के दिनों से ही देख रहे थे, क्योंकि टूटे छत और कच्ची दीवारों में उनकी आधी जिंदगी गुजरी थी। जिंदगी को बहुत गहरे एक्सपीरियंस से समझे थे शायद, इसीलिए कोई सवाल नहीं करते थे विश्वा के पापा।
सब कुछ उन्हें स्वीकार था, लेकिन क्या विश्वा को सब कुछ स्वीकार था? क्या ये खूबी उसे अपने पिता से विरासत में मिली थी? ये अभी तय कर पाना मुश्किल था। विश्वा को टेरेस पर यूं ही भटकता देख उसकी माँ आ गई और उसके बचपन की कुछ बातें करने लगी। बोली, चलो कल नाना के घर चलते हैं मोहाली, तुम्हें वहां अच्छा लगेगा। बहुत दिन हो गए मैं और तुम्हारे पापा सोच भी रहे थे जाने को। विश्वा ने हाँ में सिर हिला दिया। ऐसा लगा जैसे वो आगे की बात सुनना ही नहीं चाहता था, इसीलिए उसने हाँ में सिर हिलाकर बात ही खत्म कर दी। कुछ देर माँ चुप रही, फिर बोली, नीति बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुंदर भी है, उसे भूलना आसान नहीं है। जिंदगी को रुकने मत दो बेटा, उसे बढ़ने दो। खुद को याद रखना बहुत जरूरी है, शायद कोई और ही तुम्हारा इंतजार कर रही हो। विश्वा ने तुरंत ही जवाब में बोला, और शायद नीति ही मेरा इंतजार कर रही हो। माँ, मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस जाने दिया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने उसे रोका क्यों नहीं। माँ बोली, शायद उस वक्त उसे रोकने की तुम्हें कोई वजह नहीं सूझी हो, और अब तुम्हें कोई वजह मिल गई हो। हाँ, विश्वा सोचने लगा, फिर बोला, नहीं, अभी भी उसे रोकने की कोई वजह नहीं सूझ रही है। माँ नहीं थी, वो चली गई थी, क्योंकि विश्वा ने घंटों चुप्पी के बाद ये बात कही थी। जिस रिश्ते में जिंदगी महसूस नहीं होती, उस रिश्ते में सिर्फ मौत ही रह जाती है। विश्वा और मेरा अलग होना कोई फैसला नहीं, बल्कि एक आउटकम है हमारे अपने बिलीफ का। बहुत सिंपल है, मैंने रिश्ते को मरने दिया और उसने मार दिया। नीति ये बात कॉफी हाउस में बैठकर अपनी डायरी में लिख रही थी। उसके सभी फ्रेंड्स जानते थे कि नीति अपनी जिंदगी के इंपॉर्टेंट इवेंट्स और मूव्स के बारे में जरूर लिखती है। कभी कभी अपनी डायरी के कुछ पन्नों को वो अपने दोस्तों को बड़ी दिलचस्पी से सुनाया करती थी। उसकी डायरी का कंटेंट उसके दोस्तों के लिए सबसे बेहतरीन और मीनिंगफुल टाइम पास का जरिया समझा जाता था। पर आज कॉफी हाउस में लिखते लिखते वो रोने लगी थी। आसपास बैठे कुछ लोगों ने नोटिस भी किया। नीति उठकर वॉशरूम चली गई। बहुत देर बाद जब लौटी तो उसकी आंखें लाल थी। वो अपनी पसंदीदा कॉफी का ऑर्डर दोबारा देकर इंतजार करने लगी। डायरी बैग में रख चुकी थी, सो मोबाइल पे कुछ लोगों का व्हाट्सएप प्रोफाइल और स्टेटस पढ़ने के अलावा उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। कॉफी जब टेबल पर आ गई तब उसने अपनी एक सेल्फी क्लिक की और व्हाट्सएप प्रोफाइल पर चिपका दी। कॉफी का सिप लेते लेते वो मुस्कुराने लगी, जैसे उसे कुछ सूझ गया हो। अब उसने कुछ ठान लिया था। Now it was very evident on her face that she was feeling absolutely fine. कॉफी का लुत्फ उसने खूब उठाया। दीपम आती जाती लहरों के बीच खड़ा था। कलाई में पट्टी बंधी हुई थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे सांची ने रो रो के उसके हाथों में पट्टी बांधी थी, और उस वक्त चुपचाप शायद ये पूछ रही थी, क्यों? दीपम ने सांची को उस वक्त सिर्फ इतना ही कहा था, कल से मत आना, बिना उसकी आंखों में देखे।
सांची ने हाँ में सिर हिलाया था और कहा था, ठीक है मैं कल से नहीं आऊंगी। इतना कह के वो बेहोश हो गई थी। बड़ी मुश्किल से दीपम उसे होश में ला पाया था। शायद सांची दीपम की इस बात से सदमे में चली गई थी। सांची के होश में आते ही दीपम बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब आया तो सांची जा चुकी थी। हाँ, कांच का कोई भी बिखरा टुकड़ा अब नहीं था। दीपम नंगे पांव कमरे में घूम रहा था और अपने खाली कमरे और दीवारों को देख रहा था। उसे कुछ सुनाई दिया और उसने डर के मारे अपने दोनों कान बंद कर लिए। इस वक्त लहरों के बीच खड़ा वो कान बंद किए हुए था। अंधेरा गहरा हो गया था। एक कोस्टल स्टाफ ने आवाज दी, हाई टाइड का टाइम हो चुका है, बाहर आ जाओ। दीपम भारी कदमों के साथ किनारे लौटने लगा था। ये भारीपन किसी अपराध का ही बोझ था जो उसके कंधों को भी झुकने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन क्या दीपम को इसका एहसास था? शायद नहीं। ये दिल तोड़ने की आदत किसी ऐब को अभिमान के साथ जीने की तरह होती है शायद। सांची चाय बना रही थी। उसकी बहन वहीं बैठी एल्बम में अपनी शादी की तस्वीरें देखते अपने पति से शिकायत कर रही थी कि वीडियोग्राफी क्यों नहीं करवाई। सांची ने अपनी बहन को और जीजा जी को चाय दी। बहन ने पूछा, तुम्हारी चाय? सांची ने कहा, मैंने चाय आज से क्विट कर दी। बहन मुंह बना के बोली, कुट? ये क्या होता है? सांची ने कहा, मैंने चाय आज से छोड़ दी, अब कभी नहीं पीऊंगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई, फिर बाहर नहीं आई। आधी रात को सांची का कमरा धुआं धुआं था, क्योंकि वो कई सिगरेट्स एक साथ जलाकर पी रही थी। आंखों से बहते आंसुओं को इस बार उसने रोकने की कोई कोशिश नहीं की। क्या हासिल है जो रंग को फीके करते हैं, उस मरहम का क्या करना है जो जख्म की तरह होते हैं, जाने आंसू क्यों बहते हैं। सियाह रात हल्की बारिश में गीली हो चुकी थी। हवा रुक रुक कर तेज कदमों से कभी चलती थी तो कभी कहीं एक ही जगह रुक कर फूलों से लदे किसी पेड़ की तरह अलसाई हिलने लगती थी। हवा के तेज बल से कांच की खिड़की टूटकर बिखर गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पत्थर मारकर तोड़ी हो। रोने की सिसकियां कहीं दीपम सुन न ले, सांची उसके घर के बाहर आई।
एक आंच सुलगती है जब आह भड़कती है, एक आंच सुलगती है जब आह भड़कती है, टूटता जब इश्क है रूह तड़पती है, मिटा लोगे फना होके खयामत ऐसी लाओगे, मिटा लोगे फना होके खयामत ऐसी लाओगे, मगर इस तमाशे से तुम क्या पाओगे, फिर सोचो जरा गुलजार कहाँ से लाओगे, गुलजार कहाँ से लाओगे, गुलजार कहाँ से लाओगे। साची सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकी, वो जाग गई। कमरे में सिगरेट के बट्स को देखकर उसे रियलाइज हुआ कि वो दीपम को रात भर धुएं में उड़ाती रही, लेकिन दीपम उड़ा नहीं था, बल्कि वो उसके दिल के अंदर पहले से कहीं ज्यादा धस गया था। उसने अपने कमरे की छोटी छोटी खिड़कियां खोल दी ताकि ताजा हवा आ सके और सिगरेट्स की स्मेल जा सके। लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रही। थोड़ी देर बाद ही वो नहाकर ढेर सारी अगरबत्तियां जलाकर सुबह सुबह किशन जी का सुमिरन करने लगी। आज उनसे बात करते करते वो फूट फूट कर रोने लगी। इस बार रोते हुए उसके भतीजे ने उसे देख लिया। 7 साल के मटरू ने उससे पूछा, मासी आप रो क्यों रही हो? सांची उसे अपने बाहों में दबोच कर देर तक सीने से लगाई रखी और बोली, अगरबत्ती के धुएं से रोना आ गया, ये अगरबत्ती अच्छी नहीं है। दीपम की कॉलोनी से सुंदर यादव गुजर रहा था। थोड़ी देर के लिए दीपम के घर के पीछे रुका भी। गैलरी में कुछ झांक रहा था। उसे कुछ कांच वाली टूटी खिड़की नजर आई। उसने रुककर कुछ सोचा, फिर जाने लगा। तभी सामने से वॉचमैन आया और पूछा, का घूर रहे थे? सुंदर यादव बोला, नहीं यूं ही कुछ टूटा हुआ देख रहा था। अच्छा अच्छा, 3 ठोकेला दे दो तो। सुंदर यादव ने कहा, जो गला हुआ है वो लो, खप से पेट में चला जाएगा। वॉचमैन तब तक 1 केला खा चुका था और दूसरा घप से मुंह में डाल भी चुका था। सुंदर यादव 3रा केला उसके हाथ में थमाकर जैसे ही आगे बढ़ा, उसे दीपम नजर आया। दीपम एकदम लॉस्ट इधर उधर देख रहा था। सुंदर यादव मन ही मन बोला, इस
पगलैट आदमी में सांची को दिखता क्या है जो पगलाई रहती है इसके लिए। और फिर दीपम को इग्नोर करके चला गया। कुछ देर बाद ही दीपम अपने कमरे में लौट आया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, रेस्टलेस नजर आ रहा था। ऐसी बेचैनी तो उसे कुछ 7 साल पहले महसूस हुई थी, जब उसे पता चला था कि निभा के ससुराल वालों ने उसे जला कर मार दिया। निभा रिश्ते में उसकी कोई नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके लिए दीपम का दिल आज भी धड़कता था। बचपन की कुछ यादों में निभा की यादें भी उसके दिल में शामिल थी। दीपम अपनी अभी की बेचैनी को समझने की कोशिश कर रहा था, इधर उधर बिखरी हुई चीजों को देख रहा था कि इसी बीच उसकी नजर एक कांच के टूटे टुकड़े पर पड़ी। उसने उसे उठाया और अपनी उंगलियों से दबा दिया। कांच चुभने से ब्लीडिंग होने लगी। उसने बहते खून को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उसने तो उस पट्टी को भी खोल दिया था जो सांची ने उसकी जख्मी कलाई पर बांधी थी। फिर उसकी नजर सिगरेट के पैकेट पर पड़ी और कुछ ही देर में पूरी गैलरी धुआं धुआं हो गई। हो जा चाहे जल के राख, चाहे मिट के खाक, तेरे हिस्से में गम का किस्सा रहेगा हर दम साथ। तेरे हिस्से में गम का किस्सा रहेगा हर दम साथ। हो जा चाहे जल के राख, चाहे मिट के खाक। जो भी दफन है सुंदर यादव आज इंतजार ही करता रह गया, लेकिन सांची ना आती हुई दिखी ना जाती हुई। आज उसने एक बार भी भोजपुरी गाना नहीं सुना, वही उसका फेवरेट। सुंदर यादव ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर अपना ठेला सांची के मोहल्ले की तरफ लेकर आगे बढ़ गया। पहले तो उसके कदमों में थोड़ी सुस्ती थी, फिर अचानक तेज रफ्तार के साथ वो सांची के घर की ओर बढ़ने लगा। इधर उधर नजरें भी दौड़ाई ये सोचकर कि शायद सांची कहीं दिख जाए। ढूंढती आंखें, तेज तेज चलते कदम और धड़कता हुआ दिल लेकर सुंदर यादव आज एक अलग ही सफर पर था। तेज हवा के साथ बारिश खूब हो रही थी। दीपम की टूटी हुई खिड़की से हवा तेज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे टूटी खिड़की सीटी बजा रही हो। हवा की ये सीटी कभी लाउड होती तो कभी एक अजीब तरह की स्वीटनेस उस हवा की सीटी में सुनाई देने लगती। दीपम दोनों तरह की आवाजों से परेशान था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने एक सिगरेट सुलगाई और शुरू हो गया। एक, दो, तीन, न जाने कब उसने पूरा पैकेट ही खाली कर दिया। इसी बीच उसका वो लैंडलाइन फोन बजा जो शायद ही कभी बजता था। उसने फोन पिकअप किया पर सिर्फ गहरी सांसें सुन सका। हेलो, हेलो, कई बार बोला लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। तभी वॉचमैन आया और उसने एक लिफाफा उसको दे दिया।
उस लिफाफे में एक लेटर था। वॉचमैन ने ये नहीं बताया कि ये लेटर उसे कौन दे गया, लेकिन ये जरूर कहा कि ये आपके लिए ही है। दीपम ने भी वॉचमैन से कुछ नहीं पूछा। दीपम के हाथ पता नहीं क्यों कांपने लगे। वो कुछ देर तो लिफाफे को देखता रहा, फिर किचन के स्लैब पर रख दिया। हवा की सीटी इस वक्त लाउड थी, हल्की बारिश भी हो रही थी जिसकी छींटे दीपम तक पहुंच रही थी। दीपम ने सिगरेट फिर जलाई पर बुझ गई। बहुत कोशिश की लेकिन लाइटर जला नहीं। इधर उधर दूसरा लाइटर ढूंढने की कोशिश की जो मिला नहीं। फिर झुंझला के उसने सिगरेट का पूरा पैकेट ही फेंक दिया। दरवाजे पर नॉक हुआ। दीपम सांची को सामने देख हैरान रह गया। सांची आज साड़ी पहनकर आई थी। दीपम को समझ में नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। हवा की सीटी बजना बंद हो गई थी लेकिन बारिश का शोर तेज हो गया था। सांची ने कहा, आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं साड़ी पहनकर क्यों आई, और आई ही क्यों, आपने तो आने के लिए भी मना कर दिया था। लेकिन मैं क्या करूं, शुरू से ही आपकी ना को मैं हां समझती रही और अपनी हां को ना, सो चली आई। फिर वो किचन स्लैब से लिफाफे को उठा लाई और उसमें से चिट्ठी निकालकर दीपम के हाथ में पूरे हक के साथ थमाकर बोली, मैं बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेकर आई हूं कि आप ये चिट्ठी मेरे सामने अभी पढ़ें। इतना कहने के बाद सांची बस दीपम की आंखों में घूरती रही। हवा वाली सीटी लाउड हो गई थी लेकिन दीपम को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस सांची की आंखों में देखता रहा। सांची ने उसके हाथ से लिफाफा ले लिया और चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगी। हां, मैं कल से नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, आपके बुलाने पर भी नहीं आऊंगी, लेकिन इतना बताना जरूरी समझती हूं कि आपके लिए कई बार मरी और कई बार जी उठी। दीदी नहीं चाहती थी कि मैं मुंबई में रहूं क्योंकि उसकी तबीयत ठीक हो गई थी, और जीजू बीमार क्योंकि वो मुझे लेकर ऑब्सेस्ड थे। लेकिन मैं बहाने कर करके यहीं रही, गांव वापस नहीं गई, क्योंकि आपसे प्यार हो गया था, आपके अलावा कभी कुछ सूझा ही नहीं। आपसे पहली मुलाकात के बाद से मुझे हर एक पल याद है। 780 दिन हो गए आपको जानते, लेकिन शायद आपने मुझे कभी नहीं जाना। मैं बस इतना ही चाहती हूं कि आज आप मुझे जान लें और फिर मुझे हमेशा हमेशा के लिए जाने दें। सांची ने फिर चिट्ठी दीपम के हाथ में थमा दी। दीपम ने इस बार गौर से देखा, उसमें एक भी हर्फ नहीं लिखा था, एकदम कोरा कागज था। उसने सांची को देखा, सांची मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे वो उसी कांच वाली टूटी खिड़की की ओर पीछे हटती चली गई और फिर वो दीवार को भेदती हुई बाहर निकल गई। हवा की सीटी गायब हो गई, बारिश भी रुक गई। अब वहां सांची नहीं थी। दीपम खड़ा रहा बेजान सा। उसका वजूद उस कमरे में सिर्फ इतना ही था कि वो सांची के होने फिर ना होने का साक्षी बना रहा। बाद जब दीपम घर से बाहर निकला तो उसे सुंदर यादव से पता चला कि सांची को मरे एक हफ्ता गुजर गया। सुंदर यादव ने उसे जोर से गाली दी। दीपम को बहुत साफ सुनाई पड़ा लेकिन वो सी शोर की तरफ चलता गया और आती जाती लहरों के बीच खड़ा हो गया।
अब उसे कोरे कागज पर लिखे गए हर एक अल्फाज नजर आने लगे। वो उन अल्फाजों को पढ़ने लगे। Thank you.